हरे कृष्णा, मैं भुवने सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन है और प्रभुपाद जी को कुछ स्वीट बहुत ही पसंद थी, जैसे कि रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन और संदेश। उसमें से एक संदेश जो है वह है आलमंड संदेश, जिसे बादाम संदेश के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय था। श्रील प्रभुपाद जी जब रात भर जागकर श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करते थे तो वह अपने कुक को कहते थे कि 2 से 3 संदेश एक डिब्बे में भरकर वहां रखा जाए, तो जब उन्हें ज़रूरत है रात को तो वह उसमें से ले सकते हैं। प्रभुपाद जी उनके अनुयायियों को बताते थे कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो आप संदेश लाइए और उन्हें प्रसाद के रूप में वितरण कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट आलमंड संदेश। आलमंड संदेश बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 1/3 कप 1/3 कप जितनी बादाम, जिसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सोख की थी, इसके छिलके निकाल कर मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ग्राइंड करके इसका पाउडर बना देंगे। पीस कर तैयार है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। संदेश बनाने के लिए सबसे पहले पनीर बनाएंगे। 1.5 कप जितना गाय का दूध लिया है। दूध को हमें धीमी आंच पर एक उबाल आने देना है और बीच में चलाते रहेंगे ताकि वह नीचे से चिपक ना जाए। दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर लेंगे 4 टेबलस्पून जितना नींबू का रस, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून जितना पानी और मिक्स करके इसे यूज़ करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गई है और दूध में उबाल आ चुका है। अब 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे जो हमने तैयार किया था, मिक्स करेंगे। और 2 टेबलस्पून जितना डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ करना है जब तक कि दूध फट ना जाए। और आप देख सकते हैं दूध फटने की प्रोसीजर है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाँच मिनट में दूध फट गया है, आप देख सकते हैं। ये जो हरा कलर है, लाइट कलर जैसा, वही उसकी पहचान है कि हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। हम स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पर एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख देंगे और उसके ऊपर एक पतला सा मलमल का कॉटन का वाइट कपड़ा और इसको छान लेंगे। पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि उसमें जो नींबू का खट्टापन है वह पूरा निकल जाए। अब हल्के हाथ से इसे निचोड़ लेना है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसमें वह सब निकल जाएगा। और इस तरह से छन्नी पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारा छेना या पनीर बिल्कुल तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। जब भी हम बंगाली स्वीट बनाते हैं तो एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि पनीर या छेना जो बना है उसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर यह परफेक्ट नहीं बना है तो आपकी स्वीट कभी भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है पनीर को, बिल्कुल इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करने से उसमें से घी रिलीज होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है पनीर का। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 यानी कि 1/3 कप जितनी पिसी हुई चीनी और जो बादाम हमने ग्राइंड करके रखी थी वह भी मिलाएंगे।
सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पहले भी बहुत सारी श्रील प्रभुपाद जी की फेवरेट रेसिपी शेयर की है, वह सभी उनकी प्लेलिस्ट में मौजूद है और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर हमें इसे 1.5 से 2 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट तक इसे कुक करना है। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें से पानी रिलीज़ होने लगेगा, तो वह बात का खास ध्यान रखना है। और लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। यहाँ पर 2.5 मिनट्स जितना हो गया है और स्टोव को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बहुत ही गर्म है तो इसे हमें पूरा ठंडा कर लेना है। 25 से 30 मिनट हो गई है, पूरा ठंडा हो चुका है। एक बार मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ बना देंगे इसको। अब यह बिल्कुल तैयार है। इसको आप एक प्लेट में भी सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। ऊपर से एक आधी काटी हुई बादाम से गार्निश करेंगे और सारे संदेश हमें इसी तरह से बनाने हैं। इस मेजरमेंट से आप करीबन 10 जितने संदेश बना सकते हैं। इसे आप रेफ्रिजरेटर में 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम से कुछ अर्पित करता है तो कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर वह अधिक प्रेम से प्रत्युत्तर देते हैं। अगर आपको प्रसाद की रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रसाद की रेसिपी सबको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।